हमारे खानदान में तो मौत तक गुटका के चक्कर में भाई। मौज या मौत? मौत मौत गुटका के चक्कर में। गुटके से तो लोग मरते ही हैं, पर आप बताइए कैसे। देखो कहा है कि बताने वाले बताते हैं कि एक बार कहा हुआ कि हमारी जो मामी है वो रोटी बना रही थी और रोटी बनाते बनाते बहुत रोमांटिक हो गई। अच्छा, तो मामा से कहा कहीं कि मोहे रंग दो लाल, और आपके मामा ने मामी के ऊपर थूक दिया होगा। सारा का सारा पान मसाला जो है मामा जो है वो मामी के ऊपर उलट दिए। पान मसाला से ज्यादा हमारी जो मामी है उससे जलाल हो गई। अच्छा, उसके बाद बताने वाले बताते हैं रणवीर भाई कि जिस मुंह से उन्होंने गुटका ठूका था उसी मुंह को चिमटे से धरा और तवे पे तब तक सेकती रही जब तक मामा रोटी की तरह फूल के फट नहीं गए। बहुत दुख हुआ इस बात का। मतलब मामा ने थूका, मामी ने फूका। बाहर भी बहुत सारे लोग थूकते हैं, उन्हें भी फूक ही देना चाहिए। अरे उसे याद आया भाई, तुम होली कब खेलते हो? जनवरी फरवरी फागुन में। फागुन में? अरे हमने आषाढ़ में खेला है। कैसे? क्या हुआ गुरु, एक बार हम मोटरसाइकिल लेकर रास्ते पे जा रहे थे, हमारे सामने एक बस जा रही थी, एक आदमी खिड़की से निकला, साले ने मुंह से बलगम पिचकारी छूटी पुचुक। बलगम पिचकारी होता है? उसकी बलगम थी बे, और सारा बलगम आके हमारे मुंह पे गिरा। उसके बाद हमने उसको पकड़ा, पान मसाला खरीद के कहा जब तक गुरु तुम इसको चलाओगे नहीं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट, इसमें सजा क्या हो? ये तो मजा हुआ। अबे ऊपर के मुंह से चबाता तब तो मजा आता, हमने कहीं और से चबवाया। और बिना दांतों के मुंह से उसने चबा लिया? चबा लिया। अब कमाल की बात सुनो, पान तो नहीं खाता है लेकिन हर जगह पान छूटता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको बवासीर हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना गंदा घिनौना इंटरव्यू कभी नहीं किया। तो मुझे ये बताइए आप कि ये गुटका इंडस्ट्री कभी बंद होगी? देखो कहा है, अच्छा है कि हमका पहले लगता था कि नहीं बंद होगी, लेकिन जब से बिग बैंग पे आगे बढ़ते हैं तो हमका भरोसा हो गया कि हमारी जो बात अब जो करने वाले हैं इसको सुन के शायद इन लोग गुटका खाना बंद कर दें और इंडस्ट्री बंद हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही जगह पे आए आप। द बिग बैंच किसी को भी अपनी बात कहने से नहीं रोकता, आप बेबाक कहिए जी। अरे ऐसा कि हम तो शुक्र गुजार है बिग बेंच के बे, यही इकलौता बेंच है जो साफ सुथरा है, नहीं तो बाहर जितने भी बेंच पड़े हैं सब पे तो थूक के रखा है। सही बात है। खैर अब जो बात हम तुमको बताने वाले हैं और इन लोगों को बताने वाले हैं उस सुनने के बाद आप लोगों की भाई आपका तो पूरिया फट जाएगी। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े स्टार गुटखा बेच रहे हैं। वो गुटखा नहीं बेच रहे, वो इलायची बेच रहे हैं गुरु, यही तो गेम है। अब आप खुद देखो, प्रियंका चोपड़ा उनको यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसके बावजूद भी वो काहे इलायची बेच रही है। काहे बेच रही है? काहे की उनको भर भर के पैसा मिलता है। अच्छा, सोचिए जरा इलायची महिषा का है। अबे बिरयानी खाते हुए मुंह में इलायची आ जाता है तो पूरा जायका खराब हो जाता है, इलायची काहे बेच रहे हैं। दरअसल बात ये है गुरु कि इलायची के नाम पे इन लोग ब्रांड प्रमोशन करते हैं और जब वो ब्रांड फेमस हो जाता है तो उसके नीचे लाखों करोड़ों के गुटखा बेचते हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में तंबाकू उद्योग का रेवेन्यू कितना है? कितना है? 500 से 600 करोड़। और पूरे विश्व में तंबाकू उद्योग का रेवेन्यू कितना है? नहीं पता। $800 बिलियन से ज्यादा। ये भारतीय रुपयों में कितना हुआ? इतना बड़ा अमाउंट है कि हमारा मुंह छोटा पड़ जाएगा यार, नहीं बोल पाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे देश की जीडीपी उतनी नहीं है जितने का लोग गुटखा खाकर थूक देते हैं। अब हम तुमको एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंस ने कुछ साल पहले वो एक्सपेरिमेंट करी, उसमें कहा करी 17 लोगों को पकड़ी जो गुटखा खाते थे और 17 लोगों को पकड़ी जो गुटखा नहीं खाते थे। उन सभी लोगों को पिक्चर दिखाया गया और उस पिक्चर के अंदर तंबाकू का सेवन करते हुए दिखाया गया। अब रिपोर्ट का आई कि जब जब वो फिल्म में सीन आ रहा था तो इन लोगों के अंदर हैप्पी सेल्स बन रहे थे, मतलब इनको खुशी हो रही थी। तो रिपोर्ट ये कही कि ऐसे लोग जो गुटखा छोड़ना चाहते भी हैं पिक्चर में ऐसा सीन देखकर वो छोड़ नहीं पाते। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम फिल्म में गुटखा नहीं गुटके में फिल्म देख रहे हैं। जी हाँ। अब तुमका एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताते हैं गुरु, 1990 से लेकर 2003 में जितनी भी पिक्चरें बनी उनमें से 76% ऐसी पिक्चरें थी जिनमें गुटखा का सेवन और बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हुए दिखाया गया था। और 2005 के बाद पता है कितनी पिक्चरें बनी ऐसी जिनमें गुटखा का सेवन दिखाया है? 79%। बापरे। कुल मिलाकर गुटखा और सिगरेट को प्रमोट करने के पीछे फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है।